प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा हमीद, यूपीएस शर्ट पल्ला, क्लास 14, मज़मून उर्दू, मौजू शेखुल आलम। तो बच्चों, हमने ये लेसन पढ़ा था शेखुल आलम, इसी के आज हम क्वेश्चन करेंगे। ऊपर ये है लफ्ज़ माने, हम पहले ये देखेंगे। पेज 43 पे है ये, तो आप देख लेना, पढ़िए और समझिए। पहला है अजदाद, इसके माने हैं जद की जमा, मुराद बाप दादा। फिर है चश्म व चिराग, इसका माना है बेटा। फिर है पाकबाज, इसका माना है नेक सीरत। फिर है रियाजत, इसका माना है इबादत। फिर है मसावात, इसका माना है बराबरी। फिर है उनस, इसका माना है मोहब्बत। फिर है रहमत हक होना, इसका माना है वफात पाना, फोत होना, मर जाना। तो नीचे है, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो आपका पहला सवाल है, शेख नूरुद्दीन रहमतुल्ला किन अलकाब से जाने जाते हैं? तो इसका जो जवाब है, ये मैंने कापी पर लिखा है, आप अपनी कापी पर उतारना। यह है शेख नूरुद्दीन नंदारेशी, नूरुद्दीन वली अलमदार कश्मीर और शेखुल आलम रहमतुल्ला के अलकाब से जाने जाते हैं। तो आपका दूसरा सवाल है, आपका दूसरा सवाल है, शेखुल आलम रहमतुल्ला की पैदाइश कहाँ हुई? इसका जवाब है, शेखुल आलम रहमतुल्ला की पैदाइश ज़िला कुलगाम के गांव कीमुआ में हुई। तो तीसरा क्वेश्चन है, शेखुल आलम रहमतुल्ला की शादी कहाँ और किसके साथ हुई? इसका जवाब है, शेखुल आलम रहमतुल्ला की शादी डाट सरात्राल में अकबरदीन की बेटी जैदेद के साथ हुई। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, शेख नूरुद्दीन रहमतुल्ला के दो बच्चों के नाम लिखिए। तो आपको याद होगा, हमने लेसन में पढ़ा है। इसका जवाब है, शेख नूरुद्दीन रहमतुल्ला के दो बच्चों के नाम ये हैं, बाबा हैदर और जूम देद। तो आपका पांचवा क्वेश्चन है, शेखुल आलम रहमतुल्ला के कलाम को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है, शेखुल आलम रहमतुल्ला के कलाम को शुर्की कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा अगला है, खाली जगहों को सही अल्फाज से पुर करें, लोग उन्हें डैश डैश के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ पे दिया है नंदा रेशी या रेशी, तो किस नाम से उनको पुकारते हैं? नंदा रेशी। तो पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या लिखेंगे? नंदा रेशी। तो दूसरा है, शेखुल आलम डैश डैश में पैदा हुए, यहाँ पे है 1378 और 1377 ईस्वी। तो किसमें पैदा हुए? 1377 ईस्वी में पैदा हुए। फिर है, आपके अशार को डैश डैश कहा जाता है, शुर्की या वाख? तो क्या कहा जाता है? शुर्की। फिर है, आप डैश डैश साल की उम्र में वफात पा गए, वो कब मरे, उनकी वफात कब हुई? या यहाँ पे है 73 और 63, ये कब हुए? 63 साल की उम्र में वफात पा गए। आपके अबा वाइदा डैश डैश के राजा थे, डोडा या किश्तवाड़? तो किसके थे? किश्तवाड़ के राजा थे। बाकी